आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं तथा मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। तो बहनों, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके मानदेय से जुड़ी खबरें हैं, लेकिन जो मुख्य खबरें आ रही हैं सबसे पहले हम उनको देखेंगे। बहनों, ये व्हाट्सएप पे मैसेज आया था आंगनबाड़ी बहन के द्वारा कि AASR की फीडिंग कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि उनको CDPO का मैसेज आया था, संदेश आया था। तो AASR का सीधा सा मतलब है, जिस तरीके से आप लोग हर महीने में MPR भरती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को एक वार्षिक प्रगति रिपोर्ट जो कि संपर्क ऐप में ही होती है, तो उस चीज़ को यहाँ पे आपको भरना है। तो आप लोग AASR की फीडिंग कर लीजिएगा। जिन लोगों से नहीं बनेगा आप कमेंट में लिख के बता सकती हैं, तो हम AASR को कैसे भरें उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो बहनों, आप देखेंगे कि आज आपके केंद्रों में THR गिरना है। तो जिन बहनों के केंद्रों में THR मतलब टेक होम राशन गिर चुका है, जैसे कि खिचड़ी हलवा के पैकेट है, आटा बेसन लड्डू का पैकेट है और भी चीज़ें जो उनके यहाँ गिरती हैं, तो वो THR आपके यहाँ गिरा है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं कि किन लोगों के यहाँ गिरा है, कहाँ पे अभी नहीं गिरा है। सभी लोग मीटिंग में आने से पूर्व सहायिका को बता देंगे कि केंद्र में THR गिरवाने के लिए। तो बहनों, ऐसा है कि हर जो मतलब जिले हैं, हर या फिर जो सेक्टर है, उसका महीने में अलग अलग दिन पर मीटिंग होती है। तो अगर आप में से किसी भी बहनों की मीटिंग फंसती है अगर किसी भी दिन, तो आप सहायिका बहन को इतना ज़रूर बता दें कि हम जा रहे हैं मीटिंग में, तो आपका केंद्र में रहना जरूरी है। क्योंकि जब केंद्र में वो रहेंगी, दोनों में से कोई भी एक लोग रहेगा, तो THR वो गिरवा सकता है। क्योंकि अगर केंद्र ही बंद रहेगा तो फिर टेक होम राशन कहाँ गिरेगा, गाड़ी वापस लौट जाएगी। तो अगर आप में से बहनों में से किसी की भी मीटिंग रहेगी, तो आप मीटिंग में जाएंगी तो सहायिका को वहाँ पे उपस्थित रहना जरूरी है, और मीटिंग नहीं है तो आपको उपस्थित रहना जरूरी है। क्योंकि बीते दो दिनों के अंदर बहुत से जगहों पे टेक होम राशन गिरना है, जहाँ का ना गिरा होगा आप कमेंट पे बताइएगा। और जिस केंद्रों में कोई नहीं मिलेगा, उस केंद्र का जो THR है, आप यहाँ पर बहनों देख सकती हैं, ये CDPO मैडम के द्वारा बोला गया है कि जिस केंद्र में कोई नहीं मिलेगा, उस केंद्र का जो THR है, कार्यकर्ता को फिर गोदाम से खुद ही लेने जाना पड़ेगा या फिर खुद ही मंगाना पड़ेगा। तो हाँ, अगर आप में से किसी को भी लेट होता है या किसी भी कारणवश केंद्र आपका बंद पाया जाता है, तो फिर THR लेने के लिए आपको फिर वही महिला बाल विकास के उसी गोदाम में जाना पड़ेगा, जहाँ से THR का वितरण हर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए किया जाता है। तो ये कुछ मुख्य सूचना थी, जिनमें से आपको ASR मतलब वार्षिक प्रगति रिपोर्ट आपको फीडिंग करनी है। THR केंद्रों में गिरेगा तो सहायिका को बता के मीटिंग में जाएं, और अगर मीटिंग में नहीं जा पा रही हैं पर किसी कारण अगर THR नहीं मिला है, तो आंगनबाड़ी बहनों को खुद ही जाना पड़ेगा। बहनों, अब देखिए, हम यहाँ पे आपको कुछ मुख्य चीज़ें दिखाते हैं, जैसे कि AASR, जैसे मैंने अभी बोला था कि वार्षिक प्रगति रिपोर्ट 2023। तो यहाँ पे आप स्तर देख सकते हैं, जिला से है, परियोजना से है कि सेक्टर से है, कौन सा जिला है, कौन सा संभाग है। तो इसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि कितने लोगों ने अभी तक मतलब कितने परियोजना में, इस जिले के कितने परियोजना ने अभी तक रिपोर्टिंग की है, या फिर उनके द्वारा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भरा गया है। बहनों, आज आपको पता है अच्छे से कि आज 28-29 तारीख हो चली है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर संभाग भी दिया है, संभाग है, जिला है, परियोजना है, संचालित है, रिपोर्टिंग है। देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत से ऐसे भी मतलब परियोजना सेक्टर हैं कि जहाँ से अभी तक एक भी मतलब आंगनबाड़ी की जो वार्षिक प्रगति रिपोर्ट है, वो आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा बहुत ही कम भरी गई है। जैसे हम जहाँ से हैं, वो रीवा ग्रामीण है, यहाँ आप देख सकते हैं मात्र 20 लोगों के द्वारा ही रिपोर्टिंग की गई है। तो वहीं कहीं कुछ आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे भी आप देख सकते हैं, जैसे कि 380 केंद्र संचालित हैं, त्योथर परियोजना में मतलब उसमें से मात्र 104 लोगों ने ही भरा है। रीवा ग्रामीण से आप देख सकते हैं 222 केंद्र संचालित होते, लेकिन मात्र 20 आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा ही वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को भरा गया है। जिन बहनों को ना समझ में आएगा तो आप हमसे कमेंट में करिएगा, तो मैं दूसरी वीडियो एक बना के आपको वार्षिक प्रगति रिपोर्ट कैसे भरें वो चीज़ मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बता दूंगा। तो बहनों, इसको बताने का जो एक सबसे मुख्य उद्देश्य था या फिर कारण था बहनों, मैं ये बता दूं कि आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि चलिए मानदेय वाला जो आपके द्वारा आंदोलन किया गया, मैं बहनों के सपोर्ट में हूँ, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे काम जैसे कि अभी पोषण पखवाड़ा की फीडिंग बहुत सी बहनों ने नहीं किया, फिर या फिर बहुत सी कम बहनों ने किया है, तो उसका दिक्कत ये होता है कि आप लोगों का जो मतलब मानदेय के अलावा कुछ और भी भत्ता होता है, मतलब कि
एक प्रकार से एसएनटी हो गई या बोनस वाला पैसा हो गया, तो वो पैसा आपका क्या है कि ऊपर से अधिकारियों के द्वारा काट लिया जाता है इन छोटे छोटे कामों के बहाने, जिसके कारण आप मेहनत तो करती हैं लेकिन जो आपका एसएनटी बोनस का पैसा अलग से मिलता है वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती है। तो इसलिए बहनों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वार्षिक प्रगति रिपोर्ट नहीं भरना आता तो कमेंट करिए कि मैं बता दूंगा, जिनको वार्षिक प्रगति रिपोर्ट संपर्क ऐप में मासिक प्रगति रिपोर्ट की तरह ही भरना आता है तो वो लोग ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ को भर दे। बढ़ते हैं अगली वीडियो पे। बहनों ये बहुत ही मुख्य समाचार है कि मुख्य ही खबर है, आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट जो कि ICDS रीवा आप ऊपर देख सकती हैं, ICDS रीवा की तरफ से ही है। अब ये पूरी खबर क्या है, जो लोगों ने पोषण पखवाड़ा नहीं भरा है उनके लिए एक प्रकार का ये अल्टीमेटम है, तो हम इस चीज़ को आज आपको अभी दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्थिति में सुधार नहीं होता है तो अनुशंसात्मक कार्यवाही को प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित कर दिए जाएंगे। तो ये आखिर कौन से ऐसी स्थिति में सुधार नहीं है जिसके लिए अनुशंसात्मक कार्यवाही की जाएगी, इसको हम आगे देखते हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बहनों में इस चीज़ को जूम करके आगे आपको दिखा देता हूँ कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के विरुद्ध परियोजना अधिकारी स्वयं कार्यवाही सुनिश्चित कर लें। तो इसका सीधा सा मतलब आखिर किस मैटर में या किस चीज़ के बारे में ये बात की जाती है, बात की जा रही है CDPO मैडम के द्वारा, तो वो यही थी कि आप में से जितने बहनों ने पोषण पखवाड़ा नहीं भरा है उनके पास आज मान लीजिए 28-29 मई जो भी हो गई है, अरे 28-29 अप्रैल, लेकिन 1 मई तक का समय, क्योंकि 1 मई के बाद वो पोषण अभियान वाला जो वेबसाइट है वो बंद हो जाएगा। तो 1 मई के अंदर अगर आपके द्वारा किसी पोषण पखवाड़ा की ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एंट्री नहीं की जा रही है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के विरुद्ध ही परियोजना अधिकारी खुद ही कार्यवाही सुनिश्चित कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये DPO मैडम का कहना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट है ये पूरा, यहाँ तक कि हम लोगों को बहनों को डिफेंड करने के लिए परियोजना कई जगह के सुपरवाइज़र का ये भी कहना है कि मैडम ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं पे 31% से 87% तक जो है कि एंट्री की गई है पोषण, जो ये आंदोलन चल रहा है पोषण अभियान वाला, जो ये आंदोलन है पोषण पखवाड़ा का, इसका क्या है कि बहुत से जगहों पे विकास भी हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने किया है और एक दिन में कम से कम 10 जो आयोजन है वो करना है, 10 फीडिंग करनी है कम से कम। तो प्रोजेक्ट अंडर 50 में नहीं आता, मतलब कई ऐसे भी ज़िले हैं जहाँ पे लोगों को 50-50 डाटा फीड करने के लिए क्या है कि कहा गया है, मतलब कम से कम 50 फीडिंग पोषण पखवाड़ा की अलग अलग आयोजन के करें। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, मैं प्रोटोकॉल की वजह से नाम नहीं दिखा सकता पर इसके आगे का आप यहाँ देख सकते हैं DPO लिखा है, ये रीवा ज़िले के DPO मैडम का है, उन्होंने ये लिखा है कि 453 में 100 नंबर से नीचे होना अभी कौन सा सबसे बड़ा कमाल की बात है, टॉप 50 में आए तो कोई बात है। मतलब DPO मैडम का ये कहना है कि 500 में 453 नंबर पे अभी एक ज़िला है अगर, तो उसको टॉप 50 में कैसे लाया जाए। तो अगर इनका ये कहना है कि अगर हम हर ज़िले को टॉप 50 में लाएंगे तो अगर 200 ज़िले भी हैं तो अगर वो सब के सब ज़्यादा से ज़्यादा भरेंगे तो 200 ज़िले में मात्र कोई भी 85 ज़िले टॉप 50 में आएंगे, बाकी सब के तो नीचे रहेंगे, तो ये एक प्रकार से ज़बरदस्ती है। लेकिन उनकी तरफ से जो एक मैं पॉजिटिव बात करूंगा, सकारात्मक विचार है उनकी तरफ से, वो ये है DPO मैडम की तरफ से कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री करनी है। तो बहनों आप लोग पोषण पखवाड़ा को खोले, पोषण अभियान की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री करें और ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री करें, फिर इस चीज़ को आप न देखें कि आप टॉप 10 में हैं, टॉप 5 में हैं, टॉप 100 में हैं, टॉप 50 में हैं, लेकिन हाँ ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ की एंट्री करें। इससे क्या होता है कि मतलब अपने ज़िले के ही, मतलब एक प्रकार से ये सोचिए कि नाम ऊपर आता है कि उनके द्वारा इस तरीके की मेहनत की गई है और इतने मतलब टॉप 10 में 50 में अपने ज़िले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का नाम आया है। यहाँ पे देखिए उनके द्वारा यह भी किया कहा गया है DPO मैडम की, पहले काम नहीं किया है आप सुपरवाइजर्स ने तो उनके लिए भी जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार भी तो वही हैं आप सुपरवाइजर ने तो उनके लिए भी जिम्मेदार भी तो वही हैं। तो मतलब
डीपीओ मैडम के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के साथ साथ सुपरवाइजर मैडम लोगों को भी इस तरीके की डांट सुनना पड़ रहा है, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा कहीं पे भी एंट्री नहीं की जा रही है। तो बहनों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, क्योंकि आपका एसएनटी बोनस ना कटे, मानदेय कटने का कोई भी बहाना किसी भी अधिकारी को न मिले आपकी तरफ से, तो आप लोग नॉर्मली एक डाटा फीड करने में एक मिनट से भी कम का समय लगता है, तो अगर आपको 10 एंट्री एक दिन की भी करनी पड़े तो आप लोग 10 मिनट में 10 एंट्री कर सकते हैं। तो क्या आप लोग 10 मिनट नहीं दे सकते हैं एक एंट्री को फीड करने के लिए? तो आप बहनों पोषण पखवाड़ा को खोलें, वहां पे एंट्री करें। आपसे जो नहीं बनता तो मैं 3-4 वीडियो पोषण पखवाड़ा को कैसे भरें, कैसे पासवर्ड डालें, कैसे फ़ोटो अपलोड करें, ये चीज पे मैंने वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो बहनों, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे लिस्टों की तरफ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।